Hello students, today I am going to teach you. Students, ये part 2 है. मैंने part 1 में आपको बताया, आगे जो इसके बाद समझाया है. अब हम part 2 पर आते हैं. We start question number 9 जो है objective question से हम start करते हैं. Question 9, which of the following liquids is heated by conduction? Which of जो नीचे दी गई है liquids, वो गर्म किससे होती, किस तरह होती है by conduction, लिखेंगे. ए वाटर, बी कैरोसिन, सी मर्क्यूरी एंड डी मिल्क. तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज हीटेड बाय कंडक्शन से जो गर्म होती है वो है मर्क्यूरी. राइट आंसर इज सी मर्क्यूरी. 10 नंबर, बाय विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर होता है हीट में, डज द हीट कम टू अस फ्रॉम द सन. कौन सा मोड ट्रांसफर होकर गर्मी क्या है हम तक आती है, सूरज जो होता है, सन में से जो गर्मी हमें मिलती है कौन से मोड से मिलती है. ए है कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन एंड डी ऑल ऑफ दी एबो. राइट आंसर इज सी रेडिएशन. बाय विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डज दी हीट कम टू अस फ्रॉम दी सन. रेडिएशन, विथ रेडिएशन. 11, the substance of which color absorbs maximum amount of heat. The substance of which color, कौन से कलर में एब्जॉर्ब होती, जज्ब होती है ज्यादा से ज्यादा गर्मी, ज्यादा से ज्यादा गर्मी किस कौन से कलर में एब्जॉर्ब होती है. The substance of which color absorb करती है maximum amount of heat. ए वाइट, बी ग्रीन, सी रेड एंड डी ब्लैक. राइट आंसर इज डी जो है, नंबर का है जो रिलेवेंट लेटर जो है डी और आंसर है ब्लैक. तो ब्लैक कलर में क्या है, ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होती है, जज्ब होकर हमारी बॉडी में जाती है. तो राइट आंसर इज ब्लैक. राइट आंसर है ब्लैक है. नाउ 12 नंबर, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. व्हाट इज द नॉर्मल जो होता है ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सामान्य तापमान हमारे जो इंसान में कितना होना चाहिए. ए 96.8 डिग्री फारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री फारेनहाइट, सी 37 डिग्री फारेनहाइट एंड डी 86.9 डिग्री फारेनहाइट. राइट आंसर क्या है हमारा, बी है. राइट आंसर क्या है, बी 98.6 डिग्री फारेनहाइट. 13 नंबर, द ब्रिज विच फ्लोज जो बहती है, जो हवा चलती है फ्रॉम द लैंड जमीन पर टुवर्ड्स द सी एट नाइट इज नॉन एज, वो क्या कहलाती है. ए सी ब्रिज, बी वेदर ब्रिज, सी लैंड ब्रिज एंड डी नन ऑफ दी गिवन. द ब्रिज विच फ्लॉज जो बहती है फ्रॉम द लैंड जमीन पर जो आती है हवाएं आती है टुवर्ड्स द सी जो समुद्र में से हवा आती है एट नाइट इज नॉन एज लैंड ब्रिज, क्या कहलाती है वो लैंड ब्रिज. द राइट आंसर इज लैंड ब्रिज एंड इट्स रिलेवेंट लेटर इज सी लैंड ब्रिज. 14 नंबर, वेंटिलेशन इन रूम्स जो हम रूम्स में हमारे घरों में जो वेंटिलेशन लगाते हैं हवा के उजास के हवा उजास के लिए. तो वेंटिलेशन इन रूम्स ओकर ड्यू टू कैसे अंदर आती है हवा और रोशनी कैसे अंदर आती है वेंटिलेशन ओकर होती है कैसे ओकर होती है ड्यू टू ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन एंड डी ऑल ऑफ दीज. अवर राइट आंसर इज बी कॉन्वेक्शन. कॉन्वेक्शन वेंटिलेशन इन रूम्स ओकर ड्यू टू कॉन्वेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर.
डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, क्या कहलाता है वो टेम्परेचर कहलाता है। टू नंबर थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट, तो पेशेंट होता है जैसे हमें फीवर होता है तो डॉक्टर मुंह में डालकर जो टेम्परेचर यूज करता है वो क्या कहलाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या है वो, क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट, जो मरीज होता है उसका किससे टेम्परेचर मालूम किया जाता है तो वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। नंबर थ्री, अ मेटल स्पून, जो मेटल की उसमें धातु की स्पून होती है, केप्ट इन हॉट कप ऑफ टी, गरम जो चाय होती है उसके कप में अगर इसको क्या है डीप किया जाए, उस पर रखा जाए तो गेट्स हीटेड ड्यू टू कंडक्शन, वो किससे गर्म हो जाती है, चमची भी वो कंडक्शन जो है उससे गर्म हो जाती है। तो अ मेटल स्पून केप्ट इन हॉट कप ऑफ टी गेट्स हीटेड ड्यू टू कंडक्शन। नंबर फोर, इन विंटर वी रिसीव हीट फ्रॉम अ बोनफायर इज ड्यू टू मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कॉल्ड रेडिएशन। नंबर इन विंटर वी रिसीव, जो हम लेते हैं हीट फ्रॉम अ बोनफायर इज ड्यू टू मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, क्या कहलाते हैं वो, रेडिएशन। डैश कलर्ड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स द लीस्ट रेडिएशन, व्हाइट कलर के जो कपड़े होते हैं कम उसमें गर्मी क्या है, कम गर्मी लगते अंदर जो एब्जॉर्ब नहीं होती ज्यादा, कम गर्मी एब्जॉर्ब होती है कौन से कलर में, तो व्हाइट कलर्ड सरफेस जो होता है, जो उसकी सरफेस होती है, जो सतह होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करती है द कम, बिल्कुल कम रेडिएशन उसमें होती है, द लीस्ट रेडिएशन इन विच कलर्ड व्हाइट कलर्ड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब द लीस्ट रेडिएशन। नंबर सिक्स, द मेटेलिक पैन यूज्ड फॉर कुकिंग, जो मेटेलिक पैन जो हम यूज करते हैं कोई फ्राई पैन कुकिंग हैज अ इंसुलेटेड, जो उसका हत्ता होता है, हाथा जो होता है हैंडल वो क्या होता है, इंसुलेटेड हैंडल होता है। नंबर सेवन, लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, लाइट कलर में क्या रिफ्लेक्ट होती है मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, राइट इन ब्लैंक्स रिफ्लेक्ट। एट नंबर, वी शुड वेयर, हमें पहनना चाहिए लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए इन द समर, राइट हियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर, वी शुड वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन द समर, समर में हमें हल्के कलर के ही कपड़े पहनना चाहिए जिससे हमें गर्मी कम लगे। नंबर नाइन, कुकिंग इज फास्ट इन यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ मेटल्स, क्या है यूटेंसिल्स कौन से होते हैं कुकिंग, जब हम जल्दी करने के लिए कौन से कुकिंग लेना चाहिए, कौन से वैसे लेना चाहिए यूटेंसिल्स, साथ जो होते हैं बर्तन होते हैं मेड अप ऑफ मेटल के बने हुए होते हैं, कुकिंग इज फास्ट जल्दी होती है उसमें कुकिंग इन यूटेंसिल्स कौन से, जो मेड अप किससे बनाए गए होते हैं मेटल से, तो कुकिंग इज फास्ट इन यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ मेटल्स। नंबर टेन, द कंस्ट्रक्शन इन द ग्लास ट्यूब नियर द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर इज कॉल्ड किंक और कंस्ट्रक्शन, क्या कहलाता है, द कंस्ट्रक्शन इन द ग्लास ट्यूब नियर द बल्ब, वो जो ऊपर का जो ग्लास होता है उसका बल्ब का, ऑफ अ थर्मामीटर इज कॉल्ड किंक या तो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्शन।
Now question number 3. Give only answer of following questions. पहले हमें क्वेश्चन क्या है आंसर लिखना है. तो गिव ओनली आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर वन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. कौन सा इंस्ट्रूमेंट साधन यूज होता है. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजर करने के लिए टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. कोई पदार्थ का टेम्परेचर हम किससे कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम उसका मेजर करते हैं मापने के लिए यूज करते हैं. तो राइट अपने क्या लिखेंगे थर्मामीटर. क्या है वो थर्मामीटर है जिससे हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. तो राइट आंसर इज हम क्या आंसर लिखेंगे थर्मामीटर. किससे कर सकते हैं हम विथ थर्मामीटर. तो थर्मामीटर होता है उससे हम कर सकते हैं. नंबर टू इन द वेदर रिपोर्ट. जो वेदर रिपोर्ट देते हैं हमें वेदर रिपोर्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे द आर शोन किसके द्वारा की जाती है. विच थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर दैट. इन द वेदर रिपोर्ट जो वेदर रिपोर्ट देखते हैं टीवी पर आती है उसका तापमान जो बताता है मैक्सिमम और ज्यादा कम से कम जो होता है टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे आर शोन. विच थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर दैट. कौन सा थर्मोमीटर यूज किया जाता है इसके लिए. तो क्या है वो है यहाँ पर उसका तो कौन सा थर्मोमीटर यूज किया जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. उसको क्या कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. 3 विच टाइप ऑफ क्लॉथ आर प्रीफर्ड इन विंटर में प्रीफर करना चाहिए हमें इसका यूज करना चाहिए. विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड इन विंटर. अवर आंसर इज डार्क कलर्ड. क्या है राइट आंसर डार्क कलर्ड. तो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड इन विंटर. 4 व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर. व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर इन विच पोटेशियम परमैंगनेट इसे हम बोलते हैं KMnO4. क्या कहलाता है पोटेशियम परमैंगनेट. तो उसको KMnO4 इज डिसॉल्व्ड. व्हाट इज द कलर कौन सा कलर हो जाता है वाटर इन विच क्या है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है परमैंगनेट इज डिसॉल्व. उसको डिसॉल्व करने से कौन सा कलर होता है वायलेट कलर होता है जिसे हम वायलेट कलर है. तो ये लिखेंगे वायलेट कलर जो लाइट क्या है जो हम आसमानी बोलते हैं ऐसा होता है उसे बोलते हैं वायलेट कलर. 5 विच मोड ऑफ ट्रांसफर. विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन द कोस्टल रीजन्स. कौन सा मोड होता है ट्रांसफर का हीट ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इन द कोस्टल रीजन्स. आंसर इज रेडिएशन. क्या है आंसर रेडिएशन. 6 स्टेट यूनिट ऑफ टेम्परेचर. हमें इसका बताना है टेम्परेचर का यूनिट क्या है. स्टेट यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. क्या है उसका डिग्री सेल्सियस. यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. 7 विच मेटल इज यूज्ड इन द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर. विच मेटल इज यूज्ड इन द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर. वो है मर्क्यूरी. क्या लिखेंगे मर्क्यूरी. 8 नेम द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन वाटर और एयर. नाम बताना है जो मोड ऑफ ट्रांसफर होता है हीट का इन किस किस में वाटर और पानी हवा और पानी में होता है. तो हमें नाम लिखना है उसका वो है कन्वेक्शन. क्या है कन्वेक्शन. नाउ क्वेश्चन 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज
आर ट्रू और फॉल्स, हमें मालूम करना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। नंबर वन इज द यूनिट ऑफ हीट इज डिग्री सेल्सियस। नंबर वन द यूनिट ऑफ हीट इज डिग्री सेल्सियस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो वी राइट हियर फॉल्स। टू नंबर हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसफर। हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसफर। फॉल्स, दिस स्टेटमेंट रॉन्ग है इसलिए यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स। सेंटेंस नंबर थ्री, हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ऑब्लिक ट्रांसफर्ड इन सॉलिड सब्सटेंस। नंबर थ्री, हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ऑब्लिक ट्रांसफर्ड इन ट्रांसफर्ड होती इन सॉलिड सब्सटेंस। फॉल्स। वन नंबर एबोनाइट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ट्रू, एबोनाइट इज अ बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर बोलो हीट ऑफ हीट, दिस स्टेटमेंट इज राइट सो वी राइट हियर ट्रू। फाइव नंबर, व्हेन वी पोर, हम जब जो पोर करते हैं दूध को इन अ वेसल बर्तन में लेते हैं फॉर हीटिंग द वेसल गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन। तो क्या है, जब दूध हम पोर करते हैं लेते हैं बर्तन में, व्हेन वी पोर मिल्क इन अ वेसल फॉर हीटिंग, उसको गर्म करने के लिए दूध को, तो द वेसल गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन, दिस स्टेटमेंट इज राइट सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर सिक्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाइट कलर एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर्ड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक कलर। देखिए यहाँ रॉन्ग है, जो ब्लैक कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है मोर देन हीट एज कंपेयर्ड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पर है व्हाइट आना चाहिए, यहाँ ब्लैक होना चाहिए, यहाँ व्हाइट कलर, सो दिस स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है सो बी राइट हियर फॉल्स। नंबर सेवन, मर्क्यूरी जिसे एजी बोलते हैं गेट्स हीटेड बाय थर्मल कंडक्शन। ट्रू, मर्क्यूरी एचजी गेट्स हीटेड बाय थर्मल कंडक्शन। ट्रू, एट नंबर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। नंबर एट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लो, जो बहती है, जो गर्मी जो वहां पहुंचती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज राइट सो वी राइट हियर ट्रू। क्या लिखेंगे यहाँ, ट्रू लिखेंगे। नंबर नाइन, आर्ट किंक और कंस्ट्रिक्शन इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रिवेंट्स करता है, इसको रोकता है द मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने से रोकता है इन टू द बल्ब ऑन इट्स ऑन। नंबर नाइन, अ किंक और कंस्ट्रिक्शन इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन इन टू द बल्ब ऑन इट्स ऑन, दिस स्टेटमेंट इज राइट सो वी राइट ये ट्रू। टेन नंबर, अ थर्मोमीटर हैज अ शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी, देखिए बहुत शाइनिंग करता है, आपने देखा होगा मर्क्यूरी को एकदम क्या है, सो जो थर्मोमीटर जो चमकता है अंदर मर्क्यूरी, अ थर्मोमीटर हैज अ शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी। 11, ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन के लिए क्या होता है, द हीट फ्रॉम अ बॉडी कैन बी फेल्ट एट अ डिस्टेंस, रॉन्ग है ये,
तो यहाँ पर क्या है, ड्यू टू कंडक्शन द हीट फ्रॉम अ बॉडी कैन बी फेल्ट, ऐसा फील होता है एट अ डिस्टेंस फॉल्स। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। नंबर 1, व्हाट इज द यूज ऑफ अ थर्मामीटर, थर्मामीटर का क्या इस्तेमाल है वो हमें बताना है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ थर्मामीटर, आंसर थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर, मापने के लिए होता है द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी पत्थर का जो है हमें तापमान जानने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अ थर्मामीटर, आंसर थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। 2, नंबर विच टाइप ऑफ थर्मामीटर इज यूज्ड बाय अ नर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, कौन से टाइप का थर्मामीटर यूज किया जाता है नर्स के द्वारा, क्या है तो पेशेंट जो होते हैं मरीज का तापमान जानने के लिए। विच टाइप ऑफ थर्मामीटर इज यूज्ड बाय अ नर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, आंसर अ नर्स यूजेज द क्लिनिकल थर्मामीटर, अ नर्स यूजेज द क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, या सभी जो टेम्परेचर होता है एवरी पर्सन का एक जैसा होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, आंसर है नो, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, होता है और नहीं भी होता है, 37 होता है 37 भी होता है और नहीं भी होता है। नो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में होता है नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। नो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट नहीं होता है कितने 37 डिग्री सेल्सियस। और नंबर है विच टाइप ऑफ क्लोथ्स गिव्स प्रोटेक्शन देते हैं हमें, कैसे टाइप के कपड़े हमें प्रोटेक्शन हिफाजत करते हैं फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से इन विंटर, जो सर्दी होती है जो सर्दी के जो सीजन में कौन से टाइप के कपड़े पहनने चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उलन क्लोथ्स, गर्म जो होते हैं कपड़े उलन क्लोथ्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड इन विंटर, उलन क्लोथ्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड इन विंटर। 5, नंबर व्हाई डू वी वेयर व्हाइट और लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, व्हाई डू वी वेयर व्हाइट और लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, देखो मैंने आपको पहले बताया है कि व्हाइट कलर में क्या है, जो होती है रेज जो होती है सनरेज वो कम एब्जर्व होती है और हमें गर्मी कम लगती है, तो इससे क्या ठंडक होती है व्हाइट कपड़ों से, जो हम मलमल के कपड़े पहनना चाहिए हमें गर्मियों में। व्हाइट और लाइट क्या है आंसर, व्हाइट और लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब करती है लेस अमाउंट ऑफ हीट, कम गर्मी लगती है एंड रिफ्लेक्ट्स करती है मोर, सो इन जो है गर्मी वापस फेंकती है बाहर, सो इन समर बॉडी जो है रिमेन्स कूल, इसलिए समर जो में जो है बॉडी हमारी कैसी थोड़ी ठंडी रहती है, तो हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे होना चाहिए कपड़े, व्हाइट और लाइट कलर कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए ड्यूरिंग समर, आंसर व्हाइट और लाइट कलर कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब करती है लेस अमाउंट ऑफ हीट, थोड़ी गर्मी अंदर जाने देती है एब्जॉर्ब करती है बॉडी में एंड रिफ्लेक्ट्स और जल्दी उसे वापस फेंकती है गर्मी को बाहर, इसलिए क्या है इन समर बॉडी हमें हमारी कैसी रहती है ठंडी रहती है, तो हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए व्हाइट और लाइट कलर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक और कंस्ट्रिक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक्स और कंस्ट्रिक्शन इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आंसर लिखेंगे, अ किंक और कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट्स करता है द मर्क्यूरी फ्रॉम गिडनेस से फ्रॉम फॉलिंग डाउन इनटू द बल्ब ऑन इट्स ऑन। अ किंक और कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट्स, बचाता है द मर्क्यूरी को फ्रॉम गिडनेस से फ्रॉम फॉलिंग डाउन इनटू द बल्ब ऑन इट्स ऑन। 7 नंबर, स्टेट द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, स्टेट द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मीन्स के स्टेट लिखना है, स्टेट करना है, मोड्स को बताना है, ट्रांसफर हीट के कौन कौन से ट्रांसफर है। आंसर, देर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। नंबर 1 कंडक्शन, 2 कन्वेक्शन एंड 3 रेडिएशन। देर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, 1 कंडक्शन, 2 कन्वेक्शन एंड 3 रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज हीट, गर्मी क्या है। आंसर, हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का फॉर्म एक है, एक तरह की वो है, एनर्जी है जो हमें हासिल होती है सन से, जो हमें मिलती है। व्हाट इज हीट, हीट इज वन फॉर्म ऑफ ताकत, ये वो है फॉर्म कहलाता है, ये हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। 9 नंबर, हाउ डज हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस, हाउ डज हीट ट्रांसफर होती है थ्रू लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस। आंसर है, हीट्स गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस बाय कन्वेक्शन। आंसर, हीट गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस बाय कन्वेक्शन। नंबर 10, व्हाट इज द सी ब्रीज, समुद्री हवाएं क्या है, व्हाट इज द सी ब्रीज। आंसर, इन द कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के दरमियान क्या होता है, द फ्लो ऑफ कूल एयर, जो उसका विवाह होता है हवा का, ठंडी हवा का, फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड की तरफ जो जाती है हवा, टू रिप्लेस द हॉट एयर ऑन लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। व्हाट इज द सी ब्रीज, इन द कोस्टल रीजन्स, क्या कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान क्या होता है, जो कूल एयर, जो ठंडी हवा होती है उसका बहाव जो होता है फ्रॉम द सी, जो सी में होता है, सी सब टुवर्ड्स द लैंड, हवा जमीन की तरफ होता है और रिप्लेस होता है, जो हॉट एयर होती है ऑन लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज क्या है, हमें लिखना है। आंसर, इन द कोस्टल रीजन्स, इन द कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द नाइट, रात के दरमियान क्या होता है, द करंट्स टू एयर फ्लो फ्रॉम द कूलर लैंड टुवर्ड्स द वार्मर सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। क्या है, इन द कोस्टल एरिया जो होता है, रीजन्स होता है, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दरमियान, द करंट्स, जो उसका बहाव होता है एयर का, बहती है फ्रॉम द कूलर लैंड टुवर्ड्स द जो वार्मर सी जो होता है, गर्म जो होता है, इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। इन द कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द नाइट द करंट्स टू एयर फ्लो फ्रॉम द कूलर लैंड टुवर्ड्स द वार्मर सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज।